हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। भाई आज का व्लॉग नहीं, एक छोटी सी घर वाली बैठक होने वाली है। मेन मुद्दा, मैंने काफी कमेंट पढ़े जॉब्स के बारे में, हम जॉब्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये दो दिग्गज मेरे साथ है, ये दो दिग्गज इसलिए भाई क्योंकि यार ये अप्लाई कर ही जा रहे हैं, भाई मैं भी कर ही जा रहा हूँ, तो हम आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक्सपीरियंस भी नहीं है, मतलब लोग डिमोटिवेटेड है तो हम अपनी स्थिति बताएंगे भाई, कि जिससे लोगों को पता लगे कि डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। तो हम शुरू करते हैं भाई, तो सबसे पहले इसका एक्सपीरियंस जानते हैं। तो बताओ भाई, सिंपली कितनी जगह अप्लाई कर चुका है इन पर्सन इन डीड सब मिला के? ओ भाई यार देख, इन पर्सन के नंबर ऑफ स्टोर्स की ऐसे एक्यूरेट काउंटिंग तो है नहीं, बट ये है कि नंबर ऑफ रिज्यूमे जितने निकलवाए होंगे तो कितने गए, तो नियर अबाउट 70-80 पे तो मैं कर चुका हूँ इन पर्सन। इन पर्सन लाइक बहुत जगह स्टार्ट किया, मैं कारथल वगैरह से स्टार्ट किया था, अपने आसपास के प्लाजाज में और जगह बहुत जगह अप्लाई हुआ। बट ये है, ये समझ आ गया कि रेज्यूमेस का इतना फायदा नहीं है, जॉब मिलेगी तो ज्यादा चांसेस है ऑनलाइन अप्लाई में। ठीक है, कंपनी और इंडीड के जगह रह के ना करके कंपनी की साइट पे जाके उनकी मेल्स पे अप्लाई करो तो ज्यादा चांस है, क्योंकि उनकी करियर साइट्स पे जाके। बाकी इंडीड पे भी अप्लाई करते रहो, बट जस्ट एक रिज्यूमे लेके जाना उसका कोई ज्यादा बेनिफिट है नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि ना ही करो ऐसा नहीं है, बट अगर आपको पता नहीं कोई स्टोर हायरिंग कर रहा है तो ऑनलाइन अप्लाई करके तब वहाँ रिज्यूमे लेके जाओ। जस्ट ऐसे अगर आप निकले होना कि किसी भी स्टोर पे जा रहे हो, वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो डिमोटिवेशन है। वो जस्ट आपकी टाइम वेस्ट है, वहां से जब जवाब आएगा कि हम नहीं हायरिंग कर रहे हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट अभी यही है कि सब कह रहे हैं कि हायरिंग एक पॉइंट पे खुल रही है या धीरे धीरे खुलेगी, अब वेदर चेंज हो रहा है, तो उसका पॉइंट ये है कि अगर बस अपना ना अपडेट रहो, ऐसा ना छोड़ो कि बिल्कुल ही जॉब देखनी छोड़ दी या वो है, कि अगर इतना टाइम बना लो कि दिन में मुझे इतने टाइम जॉब के लिए देखना है तो अभी हो पाएगा, क्योंकि पता नहीं चलता कब हायरिंग आके कब निकल भी जाए। सही बात है। ठीक है, जैसे अब किसी को कोई कहीं से अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो वो छोड़ के बैठ जाते थे, यहाँ से लगी जाएगी, वो ना छोड़ो, वो नहीं करना। ठीक है, क्योंकि एक जॉब पे यहाँ से आप रह नहीं सकते हो। ठीक है, और अगर दूसरी जॉब और मतलब पीछे पीछे ट्राई करते रहो, जैसे इतना है कि जॉब अपना वो मत रहो। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे पे एक ऑफर आया था तो वो बहुत अच्छा था, बट लास्ट में ना जब सब होने के बाद वो लास्ट में मना कर गए। उन दिनों मैंने जॉब देखनी छोड़ दी थी, कि मेरे को था कि हो ही गया, बट वो मेरा 1.5-2 हफ्ता मैं सोच रहा था, मैंने कहा चल बढ़िया, जब वो ट्रेनिंग पे बुलाएंगे तब, वो ट्रेनिंग से 1-2 दिन पहले मना कर गए, 1-2 दिन पहले, तो तब मुझे लगा कि मेरा तो उसके 1.5 हफ्ता वेस्ट हो गया, मैं और कहीं भी अप्लाई कर सकता था। तो ये पॉइंट है कि अगर कहीं से रिस्पॉन्स आ भी रहे ना, जब तक आपका वो साइन नहीं हो जाता या जब तक नहीं हो जाता, तो अपनी छोड़ो मत, और उसके बाद भी ढूंढते रहो कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए। तो वही है, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। तो भाई अब इससे पूछते हैं, तू बता अपने एक्सपीरियंस, तूने कितनी जगह, तो अपने एक्सपीरियंस बता ना, तू कितनी जगह अप्लाई कर चुका है? ऑनलाइन बताओगे दोनों भाई? कुल मिला के तो 150-200 आराम से भाई, दोनों जगह मिला के। सबसे पहले हम अपने 50 मीटर के एरिया में गए, फिर ऐसे मीटर बढ़ते गए बस। कितनी दूर से दूर इलाके कहाँ जा चुके हैं सरी से वैंकूवर में कारथर तक? रिस्पांस कैसा रहता है उन लोगों भाई? पहले दिन आए, पहले दिन ही मैं कारथर ले गया, दूसरे तीसरे दिन भाई जो रिज्यूमे बांट के आया ना हम हर जगह, एक रिप्लाई नहीं आया। वैसे रिप्लाई यार, लाइक आप ये समझो अगर वो आपको रिस्पांस दे भी रहे हैं ना, अच्छा कि वी विल गेट बैक टू यू, जो भी है वो मत समझो कि वो हाँ कर रहे हैं, प्रेम से, प्रेम से, प्रेम से, मतलब उनका टकाने का तरीका है। अगर मेरा क्या हुआ, पहले कैफे में जब अप्लाई कर रहा था, पहले कैफे में बहुत अच्छा रिस्पांस आ गया, कह रहे विल गेट बैक टू यू, पक्का पूरा एक्सपीरियंस वगैरह अपॉर्चुनिटी पूछ रहे हैं, और उसके बाद ना आज तक उस बंदे ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो सीन ये है, बहुत अच्छे बन के भी बात कर लेंगे आपसे, आपको लगेगा हो गया हो गया, मेरे को बहुत पॉइंट पे लगा हो गया पर नहीं होता। ठीक है, कि जब तक वो गेट बैक नहीं कर रहे और जब तक वो आपसे फॉर्म साइन नहीं करवा रहे या जो भी है आप शुरू नहीं कर रहे, तब तक थोड़ा ढूंढते रहो, कब तक रुको मत। मेन पॉइंट यही है। तो भाई आपने सुना ही, जैसे इन्होंने भी इतनी जगह अप्लाई की, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना भाई, मेरे को आज भी मेरे रिज्यूमे का काउंट याद है, 110 रिज्यूमे मतलब 20-20 करके निकलवा रहे, सारे वांटे थे, आज तक जॉब नहीं मिली थी। अकाउंट नहीं याद, इसने ट्रांजैक्शन में हिसाब बना के रखा था। नहीं, मैं 20-20 निकाल देता था चीजों में, तो मेरे 110 बटे थे, 200 जगह इंडीड पे किया हुआ था, 300 जगह आराम से मैंने किया था। तो भाई सारे कर रहे हैं, ऐसे नहीं सोचना कि आपने क्यों, आपको एक भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, 200 में से एक ही आता होता है भाई। तो है कि अगर आप न्यू कमर हो के सोच, न्यू कमर को ही दिक्कत नहीं आ रही, जो पुराने लोग है और जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं उनको भी जॉब नहीं मिल रही है, इवन कैनेडियन एक्सपीरियंस होने के बाद। मेरे को बता रहा तू, है मेरे से नहीं मिल रही मेरे को भाई, मैं शहर आऊंगा तो मैं तो, मैं बता रहा है
इंडायरेक्टली तो आ तू मेरे पे आया। जॉब डिफिकल्टी है बट अगर आपके पास अच्छा रेफरेंसेस है, अच्छा बैक सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है फैमिली का, तो और ऐसा है कि रेफरेंसेस अगर अच्छे हैं तो भी मिल जाती है जॉब। रेफरेंसेस पे चांसेस हैं, रेफरेंसेस जैसे आपके अभी खुद ढूंढोगे तो बहुत लेस चांसेस है, और ऐसा नहीं है विदाउट रेफरेंसेस जॉब नहीं मिलती, नहीं मिलती, मिलती है। पर ऐसा भी नहीं है कि इंडिया से आके सोच के आ रही है कि हमारा रेफरेंस वहाँ पे हमें तो मिल ही जाएगी, वो भी नहीं होता। रेफरेंस ही कई बार तीन तीन हफ्ते चार चार हफ्ते लगा देते हैं, वो नहीं होता, कई बार रिस्पॉन्स आए ना। सही बात है, तो रेफरेंस पे डिपेंड मत होना भाई। और भाई दूसरी चीज, एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि यार सिक्योरिटी लाइसेंस, फोकलिफ्ट लाइसेंस, फूड सेफ, और एक लाइसेंस और क्या होता है TCP, मतलब वो जो फ्लैगर उसका, तो भाई उसका है फायदा बनवाने का लाइसेंस होगा? तुमने यहाँ तक किया, एक मेरा फ्रेंड कर रहा है उसने लाइसेंस बनवाया, फायदा है घंटे मिल जाते हैं आराम से, क्योंकि ज्यादा लोग जाते नहीं उसमें, एक बोर्ड पकड़ के ऐसे खड़े रहना पड़ेगा, कौन ही जाएगा। या पर उसमें पे अच्छी है, पे अच्छी है, घंटे अच्छे हैं, तेरे को क्या लगता है फायदा है सिक्योरिटी का खासकर? एडवांटेज भी है ना, बट अगर सीजन नहीं है तो हमारा तो फिर काम नहीं। अगर मैं ये एडवाइस करूंगा, अगर किसी का किचन लाइन का एक्सपीरियंस और किचन लाइन में जा रहे हैं तो अपना फूड सेफ बनवा ले, फूड सेफ का फायदा है। अगर आपके रेस्टोरेंट में रिक्वायरमेंट है भी या नहीं भी, बट यहाँ के मैंने जितनी इंडीड पे अप्लाई किया, यहाँ के 80% या 90% रेस्टोरेंट आपको अप्लाई करोगे तो आपसे फूड सेफ मांगेंगे ही मांगेंगे। उन्होंने रिक्वायरमेंट में नहीं भी डाला होगा ना तो बाद में मांग लेंगे ओरिएंटेशन के टाइम में जैसे भी, बट फूड सेफ अच्छा है अगर एक बार की इन्वेस्टमेंट है, बट बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए चल जाता है आपका, और दूसरी जॉब छोड़ के कहीं और भी अप्लाई करोगे वहां की रिक्वायरमेंट होगी, तो फूड सेफ इज मस्ट, अपना बनवा लो अगर जिसको किचन लाइन में जाना है। यार पर जैसे मैं किचन लाइन में हूं ना, तो मतलब मेरे नहीं मांगते फूड से, पर मैं सच बता रहा हूँ किचन लाइन में फायदा है उस चीज का, क्योंकि वैंकूवर के जितने बड़े रेस्टोरेंट है ना, कैक्टस क्लब वगैरह, भाई हर जगह मांगते हैं, और उनके कुक्स की पे 23-24 तक आराम से फूड सेफ के साथ। कैक्टस क्लब में मैंने अप्लाई किया था, और जब उन्होंने मैंने रिक्वायरमेंट देखी, उन्होंने सुपर सबसे ऊपर लिखी थी फूड सेफ, फूड सेफ से वैंकूवर के जितने भी मेन बड़े रेस्टोरेंट्स हैं ना या क्लब्स हैं, बार्स हैं, जो भी है, अगर उसमें जो किचन का है ना उसमें फूड सेफ चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये तो है। और सिक्योरिटी का क्या सीन है? सिक्योरिटी का लाइसेंस कॉमन जो कि हर बच्चा सोचता है, फायदा है बनवा के? यार सिक्योरिटी में ना इस समय ये है कि बहुत बच्चों पे है, हाँ ठीक है, मेरे पे है, नंबर ऑफ बच्चे बहुत है, सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में भी रेफरेंसेस का खेल है, खेला यहाँ पे रेफरेंसेस का बहुत खेला, अगर आपका कोई नोन अच्छा है सिक्योरिटी में तो बहुत अच्छा है। यार कुछ सिक्योरिटी का ये भी है भाई, अभी इवेंट्स हो नहीं रहे ठीक है, क्योंकि सर्दियां स्लो है काम ठीक है, जो स्टैटिक गार्ड जो बिल्डिंग में लगे हुए हैं उनकी जॉब जा नहीं रही, तो हायरिंग कौन ही कर रहा है सिक्योरिटी में? मार्च में जैसे ज्यादा इंडियन जाकिर खान वगैरह या और भी इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स बहुत सारे हैं सिंगर्स के लिए, कितनी सिक्योरिटी लगेगी? 20 लोग सिक्योरिटी दे देंगे, 200 से ऊपर बच्चों पे, 200 तो मैं बहुत कम, मतलब ऐसी मैंने एग्जाम्पल लिया, कितने लाइसेंस है सिक्योरिटी का यार? तो वही चीज है की नंबर ऑफ बच्चे बहुत हैं, काम कम है, तो मतलब $500 इन्वेस्ट करके, मतलब जब तक रेफरेंस नहीं, मैं तो नहीं मानता फायदा है। लाइक अगर आपको थोड़ी बहुत जॉब भी मिले ना तो $500 वसूल हो जाते हैं कहते हैं यार, हो जाते हैं मेरे, मैं मानता हूँ हफ्ते में वसूल हो जाता है कि जॉब मिलगी, बट श्योरिटी तो हो जॉब मिलेगी। अब तू $500 का सिक्योरिटी बनवा ले, कल तक कोई रेस्टोरेंट हायर करके बैठ जाए 500 तेल में। अब मैं आपसे बात कर रहा था इस बारे में कि मैं सिक्योरिटी डन किया, बट पॉइंट ये है कि अगर आपको कहीं और मिल रही है तो आप ना, मतलब ऐसा है ना कि सिक्योरिटी में आप कुछ सीख नहीं रहे हो, सीख नहीं रहे, सबसे बड़ी दिक्कत सिक्योरिटी की है कि आपको लग रहा है कि जॉब तो इजी है, बैठे हो क्या कर रहे हो, पर ये जॉब इजी का आपको 2 साल बाद इफेक्ट आएगा। जब आप भाई वो जॉब इजी भी नहीं, जहाँ खड़े होना पड़ता है ना एक ही जगह, नहीं होता भाई, लोग गाड़ी वाली सिक्योरिटी देख लेते हैं, असाइनमेंटे करेंगे, ये करेंगे, वो कहने को दिखता है। गाड़ी वाली सिक्योरिटी का तो कहते हैं कि फिर भी बहुत ठीक है कि आपको ज्यादा आपका लोड नहीं होता, बट और जो लोड है, पर जो आप लोड वाली चीज करोगे ना उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और कई चीजें ऐसी स्किल जाएंगे, कई चीजें स्किल्ड सीख लोगे ना तो आगे जाके PR के टाइम या वर्क परमिट के टाइम आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप ये देखोगे आप सिक्योरिटी कर लो, कई सिक्योरिटी शिफ्ट बहुत ईजी आती है ठीक है, वो बैठे रहो, बट उसमें आपको कोई स्किल डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे मैं बॉस्टन पिज़्ज़ा, अच्छा रेस्टोरेंट है भाई, चाहे मेरी जॉब नहीं लग रही, पर मैंने कई बार मार्केट में घूम के देखा, मेरे को बॉस्टन एक्सपीरियंस है ना, मुझे प्रायोरिटी बहुत मिलती है भाई, कि ठीक है एक्सपीरियंस है अच्छा खासा एक्सपीरियंस। मान लो आप दूसरे किसी बॉस्टन पे भी अप्लाई करो, हाँ तो मेरे को आराम से प्रायोरिटी मिलती है, बॉस्टन एक्सपीरियंस पे ना आपको देखेंगे बहुत मिलती है यार, हाँ उसमें तो फायदा है। और यार एक दूसरी चीज और, काफी बच्चे पूछते हैं, मतलब
ये तो बहुत कम रेशो बच्चों का कि गाड़ी ले लेते हैं और उबर या फिर वो कर लेंगे हम डोर डैश स्किप उबर ही उसका है, उसकी बात नहीं है ये नहीं। मतलब जो सोचते हैं कि हम ठीक है घर से पैसा मंगा के इन्वेस्ट कर लेते हैं गाड़ी में उसके बाद कर लेते हैं फायदा है और गाड़ी का खर्चा तुझे पता कितना है ऑलमोस्ट मेरा जो मेरे फ्रेंड्स ले रहे हैं जिन्होंने अच्छी कार भी ली हुई है नॉर्मल भी ली हुई है यहाँ इंडियन लाइसेंस पे इंश्योरेंस महंगा है। हाँ 500 इंश्योरेंस है 500 की ईएमआई तो जाएगी नई गाड़ी की 200-300 तेल भी जाएगा 12-1300 का खर्चा है गाड़ी का 1300 का खर्चा है महीने का। अब उस खर्चे पे अगर आप ये सोच अगर आपकी इनकम ऑब्वियस अगर गाड़ी आपको ऐसा एसेट वर्क कर रही है आपकी इनकम में इतना बढ़ा रही है कि आपको ये जो एक्सपेंस है वो कवर अप हो रहा है तो गाड़ी अच्छी चीज है कि ले सकता है बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। बट अगर उसको ये है कि उसको इतनी नीड नहीं है या उसकी और जगह जॉब लगी हुई है या पहले पर आते तो फायदा नहीं है कि आते ही हम गाड़ी देख रहे हैं आते नहीं करना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि गाड़ी स्टूडेंट लाइफ में लेनी ही नहीं चाहिए वैसे तो देखा जाए ये बड़ी बात है। मैंने देखा है वो गाड़ी से बहुत अच्छी इनकम बना रहे हैं तो उनके लिए वो गाड़ी गलत नहीं है। हाँ उनके लिए पर यार मैं तब भी अगर आप जो नॉर्मल बंदा 1675 रुपए कमा रहे हैं उसके बाद वो डोर डैश करके बहुत अच्छी इनकम एक ले रहा है जिससे उसे गाड़ी का खर्चा निकल रहा है तो वो बढ़िया। डोर डैश हर बंदा नहीं कर रहा आजकल डोर डैश ओवर ईट्स स्किप जैसे सिक्योरिटी में एकदम से आया था अब डोर डैश ऊबर ईट पे एक बंदा बहुत एकदम से आया ठीक है अब डोर डैश ऊबर ईट भी थोड़े टाइम बाद ना कम करने लग जाएंगे क्योंकि उसमें बच्चे इतने हो जाएंगे। अब जैसे स्किप में अभी हायरिंग नहीं चल रही थी ठीक है तो डोर डैश में भी मे भी हो सकता है थोड़े टाइम बाद हायरिंग ना ले वो इनकी भी हायरिंग होती है स्किप में वेटिंग उसमें चले गए अगर आप अप्लाई करते हो ना तो आप वो वेटिंग में चले जाओ डोर डैश तो आपको ले रहा है आप डोर डैश में अप्लाई करो आप बन जाओगे उसी टाइम। बट मैंने भी करा हुआ पर अभी स्टार्ट नहीं किया तो बट उसमें क्या स्किप में आपको वेटिंग पे हो मे बी डोर डैश में भी इतने बच्चे हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद वेटिंग पे आ जाए तो ये है सिचुएशन थोड़ी अभी। पर यार देखो जो अगर आने की सोच रहा है या जो इन फ्यूचर आ रहा है भाई थोड़ा माइंड सेट लेके आना। एक क्वेश्चन और आने वाले से ही अब कनाडा ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी तो तुम्हें लगता है आगे मतलब चले हम तो क्या ही है बोलने वाले आगे का किसने देखा लगता है थोड़ा फर्क पड़ेगा आगे जॉब जूस पे क्योंकि ये कैप लगा रहे हैं क्योंकि ना कनाडा धीरे धीरे शायद इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश इनको दिख तो गया है कि काम खराब हो रहा है कंट्री थोड़ा तरफ जा रही है अब मे बी इस इलेक्शन के बाद या जो पॉलिसीज ये गवर्नमेंट निकाल रही है पर ये नहीं कि महीनों में तो नहीं आने वाले कुछ सालों में आएगा ये पॉलिसी का असर यहाँ पे कुछ साल बाद दिखेगा आप कहो आने वाले एक या दो साल में दिख जाए बहुत बहुत क्योंकि यार अभी बैठे हैं घर पे कितने वो भी एम्प्लॉय होंगे उसके बाद फर्क पड़ेगा। कॉलेज में जिनसे पूछूं ना कोई चलो अब वो जॉब पे है कोई 4 महीने बाद लगा कोई 5 महीने बाद लगा किसी को चलो कोई ऐसे भी जिनको हफ्ते भर में जॉब मिली है बट गेम है कि एक आपकी लक तो है मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ कई मैंने देखे वो ऐसे हैं कि आज तक कहीं अप्लाई नहीं किया पर जो जहाँ अप्लाई किया पहली बार वहां से जॉब लेके बैठे इस सिचुएशन में भी क्योंकि रेफरेंस थी या जो भी था या जैसे भी पर कई है कि रेफरेंस होके भी जॉब नहीं है वो तो है ठीक है तो लक पे बहुत है। एक आप अगर आपके पास ना आज पहले क्या था यहाँ आके लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लेते थे जो मैं देखता था फैमिली सपोर्ट करती है अब फैमिली सपोर्ट करती है ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो गई है ठीक है कि पहले होता था कि लोग आते थे अर्न करते थे जिनकी फैमिली वहां ठीक नहीं है तो अपनी फैमिली को अच्छा सपोर्ट कर लेते थे बढ़िया हो जाता था। आज के दिन में क्या है ना अब बच्चे यहाँ के जॉब नहीं कर पा रहे वो फैमिली सपोर्ट ज्यादा ले रहे हैं। यार मैं तो खुद बोलता हूँ कि भाई अगर आ रहे हो मैं नहीं कहता कि 100 का 100 बच्चा अगर 100 बच्चा है तो 100 का 100 फैमिली की सपोर्ट पे चल रहा है ऐसा नहीं है भाई बच्चे कर लेते हैं कई कर लेते हैं ये देखा बजा दिया इस बंदे ने। मैं ये मानता हूँ जैसे मेरे पास भी एक एग्जांपल है कि जो बंदे 2-3 महीने काम नहीं मिला 3-4 महीने पहले जब आए थे आज वो बच्चे इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं हमारे पास एक एग्जांपल है इस चीज का आपको भी कर रहे हैं मेरे पास तो आज वो बच्चे इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते सही बात है। तो हम भी ये सोचते हैं ना कि 2 महीने बाद जॉब मिलेगी या 2.5-3 महीने बाद जॉब मिलेगी हो सकता है इन फ्यूचर आप ऐसा अच्छा काम कर रहे हो ना कि आप अपनी फैमिली और वो बच्चे इतना अंदर है अपनी फैमिली को तगड़ा सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है तो बहुत अच्छी चीज है टाइम का पता नहीं चलता कब चेंज हो सही बात है। भाई यही है कुछ मेन क्वेश्चन थे बाकी यार अब एक बार दोनों से पूछ लेते हैं भाई मेन अब क्या है जिन बच्चों में जॉब नहीं है या जो इस टाइम आ रखे उनके लिए कोई अलग मैसेज तुम्हारे 2 महीने के एक्सपीरियंस के बाद लाइक मैं ये कहूंगा कि जैसे एक पॉइंट रहेगा था ये लोग ना ये समझ रहे हैं कि रेफरेंसेस लगेगी काम हो जाएगा रेफरेंसेस लग के काम हो जाता है बट सीन क्या है ना उस जगह हायरिंग भी तो चलनी चाहिए उनको लोग ही नहीं चाहिए सही बात है ठीक है हायरिंग ही नहीं कर रहे हैं
अब मैंने एक दो दोस्त थे मेरे, उनको कहा कि रेफरेंसेस दे दो, बट द पॉइंट इज हायरिंग ही नहीं है यार। एक पॉइंट और याद आया भाई, मेरे को ना कई लोग मैसेज करते हैं कि यार आप रेफरेंस डाल दो कहीं। भाई जब ये दोनों आए थे ना, दोनों ने मेरे को बोला था रेफरेंस डाल दो, मैंने डाली भी थी, इसकी डाली थी मैंने, ठीक है, पर द पॉइंट इज हायरिंग ही नहीं हुई भाई। उसके बाद वो कहते बंदे चाहिए ही नहीं, अब जब चाहिए ही नहीं। दिसंबर में आया था, हाँ। आपने दिसंबर में डाली थी, हाँ। बोस्टन पिज़्ज़ा जैन फेब, हाँ। निकलने वाला, हाँ, नहीं कर रहा बोस्टन पिज़्ज़ा में अभी तक हायरिंग भाई, एक बंदा नहीं आ रहा, अगले क्या ही करे रेफरेंस का भी, जब वो हायरिंग ही नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से बंदे, कहाँ से बंदे लाएगा फिर। तो ये भी नहीं कि रेफरेंस के दम पे बैठे रहो, अप्लाई करी जो डिमोटिवेट होनी है। अनफॉर्चुनेटली वी आर मूविंग फ्रॉम योर एप्लीकेशन वाले मैसेज से डिमोटिवेट ना हो, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए भाई। ये मैंने इसलिए बनाई थी वीडियो कि लोग मोटिवेट हो जाए, मतलब इस वजह से कि चलो हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, पर ये था कि भाई सारे बच्चे एक ही लेवल पे, ऐसा नहीं है कि आपको ही नहीं मिल रही। डिसीजन गलत ना कहो, जो आगे कि अब आगे हो, आगे जो करना है यही करना है, यही कर्म भूमि है, ठीक है भाई। वो ये कि डिमोटिवेट ना हो, ना गिव अप करो, ठीक है, अब आए हो ना तो जस्ट ट्राई कि यही करना है, हाँ। और भाई बस अपने बस खर्चे काबू करो थोड़ी, जब तक जॉब नहीं है थोड़ा खर्चे कम करो, ठीक है, अपना चल जाएगा धीरे धीरे। जीएसटी से गुजारा करने की ट्राई करो, बाकी जितना इंडिया लाओ उससे भी तो मिल जाएगी, ट्राई करते रहो, बस गिव अप ना करो। बाकी यार आज की थोड़ी सी वीडियो को यही एंड करते हैं यार, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, वीडियो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल नोटिफिकेशन दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।